बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका क्वेश्चन है, आ शॉपकीपर बायज 70 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स फॉर 2800 रुपीस। शॉपकीपर क्या होता है? दुकानदार। वो ख़रीदता है 70 पैकेट्स हैं किसके? बिस्किट्स के, 2800 के। तो इसमें दो तरह की जो वैल्यू दी हुई हैं, एक इसमें पैकेट्स हैं और दूसरा इसमें रुपीज़ हैं, ठीक है ना। दो तरह की वैल्यू हैं। हाउ मच विल ही हैव टू पे, वो कितना पे करेगा। हाउ मच कितना, हैव टू पे वो कितना पे करेगा, यानी कि रुपीज मालूम करने हैं। इफ ही बायज 150 सच पैकेट्स, अगर इसी तरह के 150 पैकेट्स खरीदे तो इसमें दो तरह की वैल्यू है, दोनों ही हम लिख लेते हैं। एक इसमें पैकेट्स हैं और दूसरा इसमें रुपीज हैं। तो 70 पैकेट्स का पे करेगा वो 2800, ये दो जीरो हैं, और 150 पैकेट्स, ये इसकी बात ध्यान करना है कि पैकेट के नीचे पैकेट की वैल्यू आपने लिखनी है। 150 पैकेट्स हैं और वो कितना पे करेगा, जो वैल्यू मालूम होती है उसका हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे। इसको लिखने का एक और भी तरीका होता है, एक स्टेटमेंट होती है कि हाउ मच विल ही पे, आगे लिख दें कि लेट ही पे इक्वल टू एक्स। ऐसे भी स्टार्ट में लिख सकते हैं कि जो वैल्यू भी मालूम करनी हो कि लेट, जैसे इसमें था व्हाट लेट ही हिज पे इक्वल टू एक्स, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब अगला मेथड, यहां तक ही लिखना मुश्किल होता है, आगे इसमें लिखना आसान होता है। आगे इसमें सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पहले किसको मल्टीप्लाई करना भी मैंने बताया था, मैंने बताया था कि सबसे पहले एक्स वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना है, इसमें जरा आसानी हो जाती है। अगर दूसरे को भी कर लेंगे गलत नहीं है, जरा आसानी हो जाती है कि एक्स स्टार्ट में हमारे लेफ्ट साइड पे रह जाता है। एक्स को 70 से मल्टीप्लाई किया तो 70x, और इसी तरह जब दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो उससे पहले इक्वल आ जाना दरमियान में। अब 150 को 2800 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले हमने इनको मल्टीप्लाई का सिर्फ साइन के साथ ये वैल्यू अलग अलग ही रहने देनी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो वैल्यू इस तरह मल्टीप्लाई हो रही होती है इसको दूसरी तरफ ले जाना होता है। जो वैल्यू इस तरह मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है, वो वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई और ये वाला 70 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए आप इनकी कैंसिलेशन करते हैं, हमें इतना एक नज़र आ रहा है कि ये 7 और 28 सेम टेबल से कट होते हैं तो हम कर लेंगे। इस जीरो से ये जीरो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब देखें कि आप 7 को 28 को, 7 1 द 7 7 4 द 28 7 4 द 28, और ये जीरो भी बच रहा था तो ये जीरो ऊपर आ गया। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, अब 150 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहां लिख देंगे। तो एक जीरो ये है, दूसरा जीरो ये है, दो जीरो तो ये आगे उठा गया हमने इधर कर दिया। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा होता है 60, ये तो ये 6000, तो 6000 रुपीज आंसर आ गया। इसके साथ हम लिख देंगे क्वेश्चन के ऊपर से देख के, जैसा कि मैंने क्वेश्चन का बताया था कि ही हाउ मच की जगह पे आ जाएगा, जो इसका आंसर आया हमारा आया 6000 विल ही हैव टू पे इफ ही बाय 150 सच पैकेट्स। आगे ये क्वेश्चन मार्क फिर हम हटा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।